ગુજરાતમાં કોરોનાની સામે જાનની બાજી લગાવીને લડી રહેલા કોરોના વોરિયર્સ માટે શુક્રવારના દિવસે કોરોના સેવા યજ્ઞની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી। જે સેવા યજ્ઞ હાલમાં અવિરત રીતે જારી રહેશે, જેના ભાગરૂપે ગુજરાતના 1,00,000 કોરોના વોરિયર્સને એક ખાસ કિચન કિટ આપવામાં આવશે, જે તેમની કિચનની મૂળભૂત જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરશે। કોરોના વોરિયર્સના નૈતિક જુસ્સાને વધારવાના હેતુથી આની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। ગાંધીનગરમાં રાજભવન ખાતેથી રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત અને મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ સેવા યજ્ઞની શરૂઆત કરાવી હતી। કોરોના સેવા યજ્ઞ અંતર્ગત કોરોના વોરિયર્સ માટે 11,000 ઉપયોગી કીટના ટ્રકોને પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવ્યા છે। રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે જણાવ્યું હતું કે કોરોના મહામારીના કામ કરતા સફાઈ કામદાર, સેમ્પલ લેનાર નર્સ, એમ્બ્યુલન્સના ડ્રાઈવરોને સેવા કીટ આપવામાં આવશે। રાજ્યપાલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે રાજ્યના 3,00,000 શિક્ષકો, પ્રોફેસરો, યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલરો પણ આ સેવા યજ્ઞમાં જોડાશે, તેમજ ધર્મગુરુઓ પણ આ સેવા યજ્ઞમાં જોડાઈને અભિયાનને આગળ વધારવા માટે તૈયાર છે। 1,50,000 પ્રાકૃતિક ખેતી કરનારા લોકો પણ તેમાં જોડાયા છે। ગયા હે જહાં જહાં પર ભી સહાયતા કી આવશ્યકતા હે વહાં વહાં પૂર્ણ રૂપ સે रात दिन मेहनत करके प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा इस कोरोना सेवा यज्ञ का अभियान चल पड़ा है, ताकि हम इस बीमारी से जल्दी निजात पा सकें। और इस प्रकार की ये पहली खेप थी। अभी 9 बार इस प्रकार की खेपें और 10-10 दिन के अंतराल से भेजी जाती रहेंगी और ये यज्ञ इसी प्रकार से चलता रहेगा। इसी के साथ मैंने जितने भी धार्मिक गुरु हैं उनके साथ 2.5 घंटे की एक दिन मीटिंग की। वो लोग भी सेवा के इस कार्य में लग चुके हैं। एक दिन चुड़ासमा साहब और मैंने 3,00,000 जितने अध्यापक लोग हैं उनसे बातचीत की है, वो इस मिशन से जुड़ रहे हैं। जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट सरकारी, सबके प्रोफेसर वाइस चांसलर को इस मिशन के साथ जुड़ा है। कल मैंने 1,50,000 प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से बातचीत की। वो गांव-गांव में इस मिशन पर लग चुके हैं। गांव में स्कूलों को आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है, ताकि कोई संक्रमित है तो वहां भेज दिया जाए और गांव में इस रोग को न फैलने दिया जाए। इस प्रकार से NSS, NCC, नेहरू युवा केंद्र, रेड क्रॉस सब पूरे योगदान इस मिशन पर दे रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम इस जंग को बहुत जल्दी जीत पाएंगे। केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस गति से आज दवाइयों की व्यवस्था हो रही है, उसी के साथ गैस की व्यवस्था हो रही है, ऑक्सीजन की जो कमी है उसकी पूर्ति का अभियान पूरे देश में चल पड़ा है, तो हम मिलजुल कर एक टीम के साथ सारा देश खड़ा हो गया है, तो इस जंग को हम निश्चित रूप से जीत पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। 14 अप्रैल को भारत के माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, उपराष्ट्रपति जी ने पूरे देश के राज्यपालों की एक मीटिंग ली थी, जिसमें निर्णय लिया कि कोरोना के इस काल में राज्यपालों की भी भूमिका होनी चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए युवा अनस्टॉपेबल संस्था, जिसके अध्यक्ष अमिताभ शाहजी मेरे साथ हैं और पवन सिंधी जी RSS के कार्यकर्ता हैं, हम सब ने मिलके यहाँ राजभवन में एक निर्णय लिया कि कोरोना सेवा यज्ञ के नाम से एक अभियान चलाएंगे और उसमें मुख्य रूप से जितने कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें झाड़ू लगाने वाले हैं, सैंपल लेने वाले हैं, नर्सिज हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं, वो बेचारे ऐसे लोग हैं जो जान जोखिम में डाल कर के रात दिन सेवा कर रहे हैं। उनका मनोबल कैसे बना रहे, उनका हम क्या सहयोग कर सकते हैं ऐसे समय पे, तो ये निर्णय लिया कि गुजरात प्रदेश के 1,00,000 कोरोना वॉरियर्स को हम एक किट देंगे, जिसमें उनके किचन की आवश्यकता पूरी होगी,
उनके शरीर में पौष्टिकता जाएगी, वो स्वस्थ निरोग रह करके घर की चिंता से मुक्त होके वो केवल अस्पताल में रोगियों की सेवा ज़्यादा कर पाएँ और समाज उनको तनाव मुक्त कर पाए और वो ये महसूस करें कि ये देश और समाज जिनकी हम सेवा करते हैं ये भी हमारे पीछे खड़ा है।